क्यू और जामिया के दिन याद आ गए। लेकिन जिनकी लाइफ में गम का पार्ट ज्यादा होता है उनको यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आए, एक कदम उठाए और जाए। बहुत प्यारा पोर्ट्रेट वाला स्केच है। यहाँ सुविधा है लेकिन दुविधा नहीं है हमको। सरकारी इज लाइक सरकारी, फीस तो कम है ना, मुद्दा ये है। मजा लेने का तरीका होना चाहिए ना, किस वे से मजा ले रहे हो आप? अब हंस रहे हैं आज के। 3, 2, 1 हम जा रहे हैं हेवन। अरे हेलीपैड है। I guess it's better to choose CSM. It has changed a lot. मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। ये है कानपुर की छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी एंड शॉर्ट में इसको CSMU कहते हैं, CSM भी कहते हैं। सो आज हम आपको इस यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर कराएंगे कि कानपुर की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, कानपुर की जो मेन यूनिवर्सिटी है, वो अंदर से कैसी है। सो आज का सफर और आज की नज़र जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एंटर करेंगे, दैट्स द आइकॉनिक लोकेशन। और स्पेसिफिकली ये उनका स्टैचू है या उनकी मूर्ति है जिनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी है। बेसिकली 1966 में एस्टैब्लिश्ड ये यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। 952 कॉलेजेस अंडर ग्रेजुएट प्लस ग्रेजुएट एफिलेटेड हैं और यूनिवर्सिटी में मंदिर, हेलीपैड, मास कम्युनिकेशन सेंटर, लैब्स, पार्किंग, कैंटीन, सेंट्रल लाइब्रेरी, फला 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 बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटा मोटी मैं बताऊं, जब मैं बाहर से इस यूनिवर्सिटी को देखता था तो एक लिहाज से बहुत अंडर एस्टिमेट करते था कि यार क्या मतलब कानपुर यूनिवर्सिटी, CSM यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट लाइक दिल्ली, जामिया, मुंबई। आई एम फ्रॉम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मेरा नाम प्रांजल उमराव है and I have did my 12th from Delhi Public. When I was in 12th, it was like कि कानपुर यूनिवर्सिटी है, आप कहाँ आए हैं, मतलब इससे गंदी जगह कुछ नहीं हो सकती। When I was, it was my first day, I guess it was 12th of October, मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा DPS वाले तो आते नहीं होंगे कूड़ी जगह पर, एंड आई वॉज लाइक नहीं सर, अब तो रेपुटेशन अच्छी हो गई है, एंड इट्स अ गुड चॉइस टू चूज अ स्टेट यूनिवर्सिटी और अ प्राइवेट वन, सो आई गेस इट्स बेटर टू चूज CSM. इट हैज़ चेंज अ लॉट। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ CSMU और यहाँ पर स्पेसिफिक किताबें जो इशू होती हैं वो आपके आई कार्ड से या स्टूडेंट्स के आई कार्ड से होती हैं, उसे आप अंदर लेके जाते हैं, स्कैन कराते हैं, एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक लिमिट ऑन दैट यू कैन गेट द बुक्स। हाल मुझे बाहर से बेहाल लग रहा है, रंग उतर गया है, ईंटें निकल गए हैं। यार सरकारी इज़ लाइक सरकारी, क्या फीस तो कम है ना, मुद्दा ये है। चलिए तथाकथित सो कॉल्ड सबसे कूलेस्ट डिपार्टमेंट के बाहर हूँ, एंड दैट्स कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स। जैसा नाम है वैसा ही यहाँ का आभा मंडल है, मतलब बहुत अपील करता है, घुसने के बाद ही बहुत क्रिएटिव वाइब्स आ रही है। देखो यहाँ तोप भी है, मतलब टैंक आपने नहीं देखा होगा, हम चाहिए पास से दिखाइए। प्रभात कुमार, फोटोग्राफी से मतलब सर्टिफाइड कोर्स है यहाँ पर 1 साल का, और अभी मुझे 4 से 5 मंथ हो गए, जिसमें से एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ टीचर्स बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और मतलब मैं तो चाहूँगा और भी बच्चे आए यहाँ पे एडमिशन कराएं। जिस क्राफ्ट के तहत बनाया गया, मतलब जिस कबाड़ से इसको क्राफ्ट में तब्दील किया है, वो बताता है कि फाइन आर्ट्स और फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स की संभावनाएं क्या है, वो क्या कर सकते हैं। कबाड़ से क्राफ्ट देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत है, मैं बैठ के दिखाऊंगा आपको अंदर। यार मैं कभी असल टैंक में तो नहीं बैठा, लेकिन इस टैंक में बैठने का मुझे सौभाग्य जरूर मिला है, और मेरा कैमरा भी आगे आ गया। मेरा नाम शरद पांडे है और मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग सर्टिफाइड कोर्स कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो मेरे को अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली लैब में काम करना चाहिए, बट मेरा फोटोग्राफी में इतना इंटरेस्ट आ गया है यहाँ का माहौल देखा है, टीचर्स देख के, कि मैं अपनी क्लास को भी हैंडल कर रहा हूँ, फोटोग्राफी को भी हैंडल कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के टीचर मना भी नहीं करते और बहुत सपोर्ट करते कि जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो वहाँ जाइए। वही है ना कि सरकारी जो वर्ड है
वो एक ऐसा शब्द बन चुका है एक टाइम पे जो सरकारी मस कुछ नहीं नॉर्मल सा हो गया है, जैसे कि मैक हुआ, आफ्ट हुआ, इट्स अ वेरी प्रीमियम थिंग। बट आप एक बार आके तो देखिए, एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका माइंडसेट बहुत अलग होता है कि जैसे कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इधर ये है कि आप एक बार अंदर आ गए तो आपको इधर से प्यार हो जाएगा सीएस यूनिवर्सिटी से। तो ये सारे हैं कलाकार और हम हैं इनसे बड़े कलाकार, इनकी कलाकारी आज आपको दिखाएंगे। कौन से कोर्स की स्टूडेंट आप? मतलब मैंने औरतों के इतने बड़े बड़े नाखून देखे हैं, लेकिन यहाँ पेंसिल की जो वो होती है ना नोक, वैसे नाखून जैसे, ये देखिए, आपको देखने में बेशक बहुत बदसूरत लग रहा होगा ये, लेकिन इससे जो खूबसूरती पैदा करती जाती है वो यही लोग जानते हैं। कला दिखती नहीं सर, होती है, बस कला देखनी पड़ती है। वही तो कला देखना पड़ता है, वो दिखती नहीं है। मास चढ़ाइए, कला वाली असल कला हमें वहाँ देखनी है। वो भगवान ने गंदा काम कर दिया वहाँ पे। इसको कट कर देना, सब कट हो गया। सीख रहे थे भगवान, अब फील आ रहा है कि वाकई में हम किसी कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में। और मेरे दिखा सकता हूँ, आप ही ने बनाया है। पकड़ो भैया थोड़ा कलाकारी मेरी संभालो। वो तो खरीदा था आपने? अरे कोई नहीं, हमने दे दिया उसको, वो भाग जाएगा लेके। ये बहुत दिन बाद खुद से स्केच बनाए हैं। ये देखिए बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा पोर्ट्रेट वाला स्केच है। मतलब देखने में मालूम पड़ता है इसको बनाने में कम से कम 2-3 घंटे लग गए होंगे। किसने बनाया आप में से? आपने कितना समय लगा था इसको बनाने में? इसको सुबह 3 घंटे। पेंटिंग देख के बनाया या किसी व्यक्ति को देख के बनाया? व्यक्ति कौन? फोटो देख के। फोटो देख के बनाया। इसको क्या बोलते हैं आप? स्केचिंग है। स्केचिंग सौरभ, ये ड्रॉइंग सौरभ। इधर तो आ, इधर इस साइड से। और ये ब्लैंक पेजेस हैं जिनपे खूबसूरती निखारेंगे। इधर आ, देखिए मैं तो एक ही चीज जानता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था शक्ल से सी है लेकिन अकल से नहीं है। ये कला से मैं उसमें नहीं आऊंगा। क्या है और बाकी में इफ यू थिंकिंग दैट आई एम रोमिंग अराउंड रेप ट्री, इट्स नॉट रेप ट्री। ये बिल्कुल रेप ट्री की याद दिलाता है। जो स्ट्रक्चर है वो ऑडिटोरियम है छत्रपति शाहू जी यूनिवर्सिटी का, और इसके जो कांच है, जो बनावट है, बिल्कुल मैं मतलब जब आया ना पहली दफ़ा तो मुझे लगा यार ये रेप ट्री जैसा। स्टूडेंट से पूछा, वो भी कहते हैं यार बिल्कुल रिलेट करते हैं हम उससे। सो दैट्स कॉमन थिंग कि यहाँ और वहाँ एक सिमिलैरिटी मिलती है। लेकिन इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, इसकी काम करने की जो कला है। मेरा नाम आर्यन साहू है, मैं सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हूँ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से। बहुत अच्छा रहा है वैसे, क्योंकि मेरा बहुत ही लो टाइम का था, तो उस हिसाब से मैंने बहुत अच्छा सीखा है। वीडियो एडिटिंग है, फोटोग्राफी है, सब कुछ सीख रहे हैं। बाकी टीवी जर्नलिज्म कैसे वर्क करता है वो सब देख रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं, एक तरफ खुशी होती है, एक तरफ गम होता है, लेकिन जिनकी लाइफ में गम का पार्ट ज़्यादा होता है उनको यहाँ आना चाहिए। यहाँ पर आए, एक कदम उठाए और जाए। अच्छा, ये कौन से गम की बात कर रहे थे? एडहेसिव वाले? देखो गम के कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए तो लड़की का है। गहराई कितनी? मैं ही धक्का दे देता हूँ। चलो। अबे बहुत गहरा यार ये क्या बना रहे हैं? अच्छा, ऐसे बनता है। तुम्हारी नींव से डिपार्टमेंट बनेगा तो ये गड़बड़ा जाएगा। अरे बिल्कुल। 3-2-1 हम जा रहे हैं हेवन। अरे हेलीपैड है सामने, इसलिए 1-2-3 करके जा रहे हैं हेवन। मजाक कर रहा था। जितना विशाल इसका कैंपस का मतलब एरिया है, क्षेत्रफल है, उस लिहाज से यहाँ का हेलीपैड भी है। मतलब आप सोचिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए हेलीपैड होना बहुत सम्मान की बात है, बड़ी बात है। और ये उसका एंट्रेंस है, ये गेट है। सामने वो स्पेसिफिक हिस्सा, ग्रे एरिया है जहाँ पर वो चॉपर उतरता है। उस चौराहे पे था जहाँ पर ये हेलीपैड है, और इस हेलीपैड से चार रास्ते जाते हैं। एक बॉयज़ हॉस्टल के लिए, जहाँ पर नया और पुराना बॉयज़ हॉस्टल है। एक मेन रोड जाता है जहाँ से हम आए थे। एक जाता है स्टेडियम के लिए,
और एक हेलीपैड वाला अंदर जाता हूँ। मैं संदीप कुमार यादव, मैं बीटेक के कोर्स के लिए सीएससी में एडमिशन लिया हूँ। नए नए यूनिवर्सिटी अभी हमें अच्छा लग रहा है, यहाँ का बिल्डिंग वगैरह प्लेसमेंट सीएससी में थोड़ा मतलब हर गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा है। देखो मैं एक बात कहूंगा, मुझे वो ताना याद आ गया ये दृश्य देखकर, पकड़े रहो, थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। मुझे वो ताना याद आ गया जब मैं बहुत छोटा था और मैं बहुत शैतानी करता था। मेरे घर वाले कहते थे क्या करोगे जीवन में, तो मैं मजाक में पता क्या कहता था, घास छीलूंगा। आज ये उसका चरितार्थ कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, घास छीलेंगे। ये वही धरती है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी, रामनाथ कोविंद, अजीत डोवाल, न जाने कितनी पॉपुलर हस्तियां इस यूनिवर्सिटी से निकली हैं। ये क्या था? ये देखिए यहाँ पर ये लोग दुबई बना रहे हैं। ई रिक्शे का आनंद उठाते हुए बच्चे। क्या था भाई ये? लोकल सहारा डेजर्ट। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और 50 rupees आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। 500 मंथली मेंबरशिप है, 3 months की भी ले सकते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं। और बॉयज़ की टाइमिंग 6 to 10, गर्ल्स की टाइमिंग इवनिंग में 4 to 6। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी स्टाफ और उनके बच्चों के लिए अवेलेबिलिटी है 6:30 के बियॉन्ड। आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। जिम फीस इज 300। दिस इज़ आर्यन सिंह एंड आई एम डूइंग होटल मैनेजमेंट फ्रॉम CSEMU कानपुर। मैं यहाँ पर आया, जैसा मैंने सुना था कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, काफ़ी कम फैसिलिटीज़ हैं, तो इस तरह से यार उस हिसाब से तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मुझे बल्कि यहाँ पे और अपग्रेड ही दिखता रहा हर टाइम। सुना दो कुछ बढ़िया सा। फिसला है ये फिर हाथ से, कल उसका रहा अब है तेरा इस रात से, ओ मेरी जान, आते हो होटल मैनेजमेंट पढ़ने और गिटार लेके आते हो, अलाउ करते हैं? अलाउ कर देते हैं, पहले नहीं करते थे अब कर देते हैं। तो कैसे मनाया तुमने? जो मेरी टीचर हैं, एक मैम है मेरी, ऐश्वर्या मैम। अच्छा, तो वो बहुत ही मतलब उन्होंने सपोर्ट करा और काफ़ी टीचर्स वगैरह भी हैं। मेरा नाम आदर्श तिवारी है और मैं यूनिवर्सिटी से BSc MLT कर रहा हूँ। मतलब यूनिवर्सिटी का वैसे भी नाम है काफ़ी, कौन नहीं जानता ऐसे। तो यहाँ पर ये था कि यहाँ से अगर एक डिग्री मिल जाएगी तो उसका काफ़ी वैल्यू होगा। हैंग आउट करने के लिए क्या करते हैं CSEM के स्टूडेंट्स, हैंग आउट कैसे करते हैं? मोस्ट ऑफ लोग तो ऐसे हैं कि वो हैंग आउट नहीं करना चाहते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हैं। 1 to 2 PM लंच होता है और ज़्यादातर बच्चे लंच नहीं नॉर्मली जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे या कैंटीन मिलेगी आपको लाइब्रेरी के जस्ट बगल में, वहाँ पर लोग चिल करते हैं और जो खाने पीने का मन होता है करते हैं और थोड़ा बहुत रील्स बना लेते हैं। मस्ती हम ही लोग कर रहे हैं, देखिए इधर यहाँ पे बैठे हैं, उधर ग्रुप बना के बैठे हैं, सब जगह जहाँ पे भी लोग हैं यहाँ के पीपल बहुत अच्छे हैं। चिल ऐसे ही बस घूम फिर के इंजॉय करते रहते, कहीं इधर से उधर गए, इस फोटो वाला उधर से साइड बना हुआ है, हेलीपैड है फोटोग्राफी के लिए, कहीं पर भी निकल जाते, पूरा इधर से उधर तक बना पड़ा है, कहीं पर भी जा सकते हैं आप। तो इन कैंपस ऑफ कैंपस डिफरेंस समझ में आता है, और जो समझ में आता है वो क्या है? इन कैंपस में प्लेसमेंट ज़्यादा रहती है, ऑफ कैंपस में भी रहती है पर इन कैंपस में ज़्यादा रहती है। मैंने कभी इतना एक्सपीरियंस ही नहीं किया, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे कॉलेज का लिटरल मतलब समझ में आता है, ऑफ कैंपस में कॉलेज का लिटरल मतलब नहीं है। बोलो व्हाट्स इट? देखिए यहाँ सुविधा है लेकिन दुविधा नहीं है हमको। तो आप ये समझिए कि ऑफ कैंपस ऑन कैंपस आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के इसको ले रहे हैं। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप हर जगह एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ये यूनिवर्सिटी ने मुझे ट्रीट किया है और मैंने इसे ट्रीट किया है, बहुत प्यारा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। पवन वर्मा, अब मैं BFA पेंटिंग से हूँ, आपकी फर्स्ट ईयर है मेरा। मज़ा आता है? बहुत भरपूर। कैसे मज़ा लेते हैं आप? मज़ा लेने का तरीका होना चाहिए ना, किस वे से मज़ा ले रहे हो आप? हंस रहे हैं आज के
मजा लेने का तरीका होता है, किस वे से ले रहे हो आप? आप कैसे लेते हैं? आपके ऊपर है। मैं मजे ले रहा हूँ, बना के मजे ले रहा हूँ। क्या बना रहे हैं? क्या बोलते हैं इसको, स्टिल लाइफ बोलते हैं ना, नेचर स्टोरी। सॉरी, सो दैट्स ऑल। ये था CSMU यूनिवर्सिटी का सफर और नजर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय रहेगा। मैं ब्रिजकिशोर जायसवाल, मैं वाराणसी से हूँ और मैं यहाँ पे CSGM यूनिवर्सिटी में MSc बायोटेक पढ़ रहा हूँ। तो बाबा की नगरी से ये गुटका वाली नगरी कैसे आ गए तुम? बस भैया फॉर्म भरा था, मैंने सिलेक्शन। क्या सुना था CSGM के बारे में? सुना था अच्छी फैकल्टी है, लैब अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स भी कुछ यहाँ पर पहले से हैं। यहाँ पर आने के बाद तुम्हें क्या दिखा? यहाँ कैंपस बहुत अच्छा है और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं, और ओवरऑल ही ठीक है। मजा आ रहा है मतलब? हाँ मजा आ रहा है।